तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 हैज़। तो इसमें से हमने चेक करना है कि हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं आप बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्या चीज़ हमने पॉइंट आउट करके रखनी है। देखो, जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा वो हमारा रहेगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जो भी रैशनल नंबर होगा वो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। और अगर हम नीचे इसके डिनोमिनेटर में जो क्यू आ रहा है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर में देखो हमको क्या मिलता है, ये हमको मिलता है 2 की पावर m की फॉर्म में, 5 की पावर n की फॉर्म में, या हमको दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाए, तभी हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने डिनोमिनेटर में देखना है चेक करके कि हमारा किस फॉर्म में मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सिंप्लीफाई करना है कि कहीं हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम सिंप्लीफाई करके चेक कर लेंगे। जो हमको दे रखा है ना 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हमको दे रखा है इंटू 7। तो अभी हमने सबसे पहले देखो, इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा 7 आ रहा है ना, इसको हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। आई थिंक ये हमारा कैंसिल हो रहा है, देखो 7 से 1 जा रहा है और ये हमारा जा रहा है 6 और 2 बचेगा, फिर जाएगा ये 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमको मिल रहा है 63 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारा पकड़ में आ रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी जस्ट क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने चेक करना है कि कितने प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनेट तो हो रहा है, जस्ट यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी में अगर हमसे पूछा गया होता कि कितने प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा, तो इसमें हम चेक करेंगे मैक्सिमम पावर को, हमारी 2 की मैक्सिमम पावर क्या है और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है। तो 2 और 5 में जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, इसलिए क्या करेगा, ये 2 प्लेसेस पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो या तो हमको 2 की मैक्सिमम पावर मिल जाए या 5 की मैक्सिमम पावर मिल जाए, तो जिसकी भी मैक्सिमम पावर होगी उतने प्लेसेस पे टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है इसलिए 2 प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा ये। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।